हमारे इस क्लास के दो सेगमेंट हैं, एक है अब्बा जी की स्पीच और उस पर थोड़ा सा मेरा इजहार है ख्याल, और दूसरा सेगमेंट है इसका अब इसका सेगमेंट है सिलसिले जीने के फवायद और ज़वाबित। हमने चार पे बात कर ली है, चार नुकात पे, उसको थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। चौथे नुकते को सिलसिले में रहकर आपस में इख्तलाफ माफ़ कर, इख्तलाफ से गुरेज करें। यानी सिलसिले अजीमिया का माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ एक इल्मी लिहाज से एक सेहतमंद फ़ा, सेहतमंद माहौल हो, और जहाँ टीम वर्क वाहमी ताउन पर मुबनी टीम वर्क। अब जब टीम वर्क होता है, आपको कोई असाइनमेंट मिलता है और आप कोई काम करना चाहते हैं, तो उसमें चार या पांच आदमियों की एक कमेटी है, फर्जी आप उन्हें कोई काम दे रहे हैं, उनको कोई असाइनमेंट दे रहे हैं, तो एक आदमी कहेगा कि इस काम को ऐसे किया जाए, दूसरा कहेगा मेरे ख्याल में इस काम को ऐसा किया जाए, तीसरा हो सकता है कि कोई और तजवीज़ पेश कर रहा हो। तो उसमें फिर बाहमी गौर व खौज करके एक या दो बातों को कबूल कर लिया जाता है, ठीक है ना। किसी की बात एक्सेप्ट हो जाती है, किसी की बात को कहते हैं नहीं ये इससे बेहतर, पहले वाले तजवीज़ इससे बेहतर है, तो फिर वो एक यानी बाहमी मशावरत से एक निज़ाम अमल जो है वो मुरतब हो जाता है। अब जिसकी बात कबूल की गई उसको खुशी होगी कि चलो भाई मेरी राय कबूल की गई, लेकिन जिसकी बात कबूल नहीं की गई उसे दिल छोटा अपना नहीं करना चाहिए, और उसे इसी तरह ताबूत करना चाहिए उस असाइनमेंट को पूरा करने में जैसे कि अगर उसकी बात मानी जाती तो ताबूत होता। मतलब कहने का ये है कि बाहमी मुशावरत से जब एक लाह अमल मुरतब हो जाए तो उस टीम के सब अरकान पर लाजिम है कि वो उस तयशुदा नुक्ते पर अमल कर रहे हैं। उसमें ये नहीं कहना चाहिए चूँकि मेरी बात नहीं मानी तो मैं तो नहीं अमल कर रहा, ठीक है ना। ये तो हो गया काम के दौरान। बाद अवत ये होता है कि हम किसी इल्मी नुक्ते पे मेरी एक राय होती है तो मैं कहता हूँ मेरी राय ये है, दूसरा कहता है मेरी राय ये है, तीसरा कहता है मेरी राय ये है, तो किसी को अपनी राय पर इसरार नहीं करना चाहिए, किसी को अपनी राय पर इसरार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इस तरह का इसरार बाद अवत इख्तलाफ की शक्ल अख्तियार कर लेता है, और ये ऐसा इख्तलाफ होता है जिसमें आदमी जिस इख्तलाफ में शिद्दत आना शुरू हो जाती है। इल्मी लिहाज से हम अलग अलग शरह कर सकते हैं, ये दुनिया में हर जगह ये बात तस्लीम शुदा है कि भाई आपने ये जो बात की थी तो इसका मतलब क्या था, तो मैं कहूँगा जी इसका मतलब ये है, आप कहोगे मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है। मिसाल के तौर पे अब्बा जी का ये खिताब आपने सुना, मैंने उसमें अपनी तफहीम पेश की कि मेरे ख्याल में इस जो अब्बा ने फरमाया है ये इन इन बातों को कवर कर रहा है और इसका ये मतलब है। हो सकता है कि आप में से कोई इस खिताब की शरह बयान कर रहा हो तो हो सकता है कि मेरे से कुछ अलग पॉइंट्स बयान कर रहा हो, तो मुझे उसे मान लेना चाहिए, मुझे कहना चाहिए हाँ ये बात ये भी ऐड होता है, या ये भी हो सकता है कि किसी की नज़र पूरी तरह ना पड़ी हो और कोई गलत शरह कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता। इसलिए कि शरा करने का ताल्लुक किसी कलाम की, किसी बात की, किसी कौल की, किसी शेर की शरा का ताल्लुक बहुत सारे बैकग्राउंड से होता है, किसका कितना इल्मी बैकग्राउंड है,
ठीक है ना, कौन कितना किसी चीज़ को ज़्यादा समझता है, किसका एक्सपोजर ज़्यादा है, किसका कम है। आपने वो सुना होगा कि कुछ नाबीना लोग थे, उन्होंने हाथी नहीं देखा था, तो उनको बताया गया कि हाथी, एक हाथी जानवर होता है, वो आ जाना है हमारे शहर। तो उन्होंने कहा कि हम बताते हैं कि हाथी कैसा होता है। तो एक नाबीना के हाथ हाथी के पैर लगे, बड़े बड़े पैर थे उसके। तो एक के हाथ हाथी के कान लगे, तो एक के हाथ हाथी की सूंड लगी। तो सूंड जिसके हाथ लगी उसने समझा हाथी, एक सूंड जैसा जानवर है। जिसके हाथ पैर लगे उसने कहा हाथी बड़े बड़े सुतूनों जैसा होता है। जिसके हाथ कान लगे उसने बताया कि उसके बड़े बड़े केले के पत्ते जैसे होते हैं। तो मतलब ये कि उनकी जितनी फहम थी उसके मुताबिक उन्होंने एक नतीजा खस किया। लेकिन एक बीना शख्स जब हाथी को देखेगा तो वो क्या कहेगा? तो क्या उसको नाबीना लोगों से लड़ना चाहिए या नाबीना लोगों को उससे लड़ना चाहिए? होता यह है कि हम अपनी राय में अड़ जाते हैं और हम लड़ना शुरू करते हैं। खराबियां कैसे पैदा होती हैं कि हम मेरा किसी से राय का इख्तलाफ हो सकता है, किसी से मेरी राय का इख्तलाफ हो सकता है। मिसाल तौर पर मैं कहता हूं कि यार यहाँ पे इस हॉल में 120 कुर्सियाँ लगाई जाए। शौकत भाई कहते हैं कि नहीं, इस हॉल में 100 कुर्सियाँ लगाई जाए, 120 में थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ यार, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो 120 कर लो, कोई फंस फंस के बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। शौकत भाई बोल रहे हैं कि फंस फंस के बैठेंगे तो बेहरानी होगी, लंबी सीटिंग है तो लेक्चर सुनने में लोग बेआराम होंगे, तो हमारी इतनी एक्टिविटी का फ़ायदा ही क्या जब लोग बेआराम होंगे? तो बात तो उनकी सही है, तो अब मुझे चाहिए क्या वैसे मान लूँ और सौ मैं बोलूँ हाथ सौ लगा दो कुर्सी है यार, मुझे इनकी बात मान ली। लेकिन मैंने इनकी बात मान ली, यहाँ पे लोग आ गए 150, ठीक है ना, और बाकी लोग खड़े हैं। तो मैं कह रहा हूँ देखा, अगर 120 लगा देते तो कम अज़ कम और 20 लोग तो बैठ जाते ना, मुझे ये नहीं करना चाहिए। पॉइंट समझो, मुझे ये नहीं करना चाहिए, अरे 150 वाले। लेकिन जिस मुक्ते को पेश नज़र इन्होंने 100 कुर्सी की तजवीज़ पेश की थी, वो मुक्ता बड़ा वैलिड था। मेरी नज़र में था कि ज़्यादा लोग बैठ जाएं, इनकी नज़र में था कि भले कम बैठे मगर वो बैठे तो आराम से ना, ताकि वो आराम से आपकी बात सुन सकें। तो वो पॉइंट सही था पीछे। अब मैं कह रहा हूँ नहीं यार, अगर 100-150 लग जाती कुर्सियाँ तो कितना अच्छा हो जाता, सब लोग बैठ जाते, सब लोग बैठते फंस फंस के बैठते, वे आराम बैठते। तो फिर मुझे अपनी बात दोहरानी नहीं चाहिए कि देखें आपने मेरी बात नहीं मानी, आपको तादाद बढ़ा देनी चाहिए। नो, जब हमने 2-3 राय आई, उन 2-3 राय में से एक राय को सबने मान लिया, फैसला हो गया, तो हर आदमी को उसी राय को पे अमल दरामद के लिए अपनी सारी कोशिशें सर्व करनी चाहिए। समझ आ रही बात? ये मैं फिर अगेन कहता हूँ, यह है इंतजामी मामलात में मुख्तलिफ आरा का पेश होना, फिर उन आरा में से किसी एक राय को अडॉप्ट कर लेना, फिर उस राय पर उस शख्स का भी अमल करना जिसकी राय उसके खिलाफ थी, वो भी उस पर उसकी तकमील के लिए उसी तरह दिलो जान से कोशिश करें। इसी तरह इल्मी नुकात होते हैं, इल्मी नुकात में एक आदमी कहता है कि मेरे नज़र में, मेरे ख्याल में इसका मकसद ये है, दूसरा कहता है मेरे ख्याल में इस बात का मतलब ये है। इन दोनों आरा को देखना चाहिए और किसी एक राय वाले को अपनी राय पे जिद नहीं करना चाहिए। दो राय हो, 3 राय हो, 5 राय हो, उनको देखना चाहिए। लेकिन राय कायम करते वक्त देखना चाहिए कि हम किसके कौल पर राय कायम कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है। मिसाल तौर पर हम अल्लामा इकबाल के शेर पे एक राय बनाते हैं, तो हमारा कुछ शेरी पस मंज़र भी होना चाहिए शेर को समझने का।
हमारा को तारीख को समझने का पस मंजर भी होना चाहिए। मिसाल तौर पे हम आला हज़रत अहमद रज़ा बरेलवी की किसी नात के ऊपर कोई उसकी शरह बयान करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई नात कोई किस तरह होती है, उसमें किन किन उमूर का ख्याल रखना चाहिए, आला हज़रत ने कौन सा नुक्ता बयान किया है, ठीक है ना। तो एक मेरा पस मंज़र होना चाहिए उस पर राय कोई देते हो। अगर मेरा पस मंज़र नहीं होगा तो मैं सिर्फ वाह वाह करने वाला होगा, फिर मुझे वाह वाह तक रहना चाहिए, फिर आगे नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह कोई रूहानी बात है, शाह वली अल्लाह ने कुछ फरमाया, हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं शाह वली अल्लाह, अब उनकी बात पे एक साहब कोई कह रहे थी शाह वली अल्लाह ने ये फरमाया, अरे भाई तुम्हारी कोई स्टडी भी होनी चाहिए, तुम्हारी कोई कंपैरेटिव स्टडी भी होनी चाहिए, तुमने दो चार बुजुर्गों के बारे में तुम्हारी स्टडी होनी चाहिए, फिर तुम्हारी राय में वजन होगा, ठीक है ना। तो राय लेते वक्त और लोगों की राय सुनते वक्त हमें ये देखना चाहिए कि राय देने वाले का अपना पसे मंजर क्या है, उसकी अपनी वर्थ क्या है, उसके अपने क्रेडेंशियल्स क्या है। किसी शख्स को अपनी राय पर इसरार नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा आलिम हो। जब हम अपनी राय पर इसरार करते हैं, एक अपनी राय को मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, तो ये तर्ज़े अमल भी इख्तलाफ का सबब बन सकता है। तो सिलसिले में रह के आपस में इख्तलाफ से गुरेज किया जाए, इसका मतलब यह है इंतजामी मामलात में इख्तलाफ ना हो, इल्मी मामलात में इख्तलाफ ना हो, और शराह के मामले में अख्तलाफा। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम अल्लाह के बयान करदा वाज़े तरीन अहकामात पर अपनी राय दें, कोई हक नहीं पहुंचता, कोई हक नहीं है। ये जो लोग करते हैं कि जी ये असल में इसका मतलब ये है, असल में ये बात ऐसे है, इसका मतलब ये है, तो क्या मेरा मुंह ऐसा है कि मैं छोटा मुंह बड़ी बात कि मैं इसको बोलने के काबिल हूँ, ठीक है ना। जिस चीज में मेरा बोलने का हक नहीं है उस बात पर मेरा कुछ बोलना इख्तलाफ का बहुत बड़ा दरख्त लगा देगा, बीज ऐसा बीज होगा कि जो बहुत बड़ा दरख्त, और वो इख्तलाफ सिवाय इंतशार के कुछ नहीं लाए, ठीक है। तो देखें इख्तलाफात एक इख्तलाफ होता है जिसको कहते हैं कि सेहतमंद इख्तलाफ, जो हम किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए मुख्तलिफ आरा जमा करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं, उसमें एक होता है सेहतमंद इख्तलाफ, वो जो सेहतमंद इख्तलाफ होता है वो भाई से रहमत है, यानी वो इख्तलाफ जो हम किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए डिफरेंट आरा देते हैं, एक राय ये एक राय वो एक राय वो, और उसमें कोई साहब अपनी राय पे इसरार करते हैं, दूसरे साहब अपनी राय पे इसरार करते हैं, और वो किसी अच्छे नतीजे पे पहुंचने के लिए होता है। तो मिसाल तौर पर कराची जाना है तो हमने कहा ट्रेन से चलो, कहीं बाई रोड चलो, ट्रेन पे जाने वाले ने अपने दलाल दिए, बाई रोड जाने वाले ने अपने दलाल दिए, दोनों काबिल इतराम है, वो सेहतमंद इख्तलाफ है। एक इख्तलाफ होता है अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, ठीक है ना, ये गैर सेहतमंद इख्तलाफ। एक होता है कि मैंने एक शराह कर ली, अपने जहन में एक शराह बिठा ली, अपने जहन में एक शराह बिठा ली, और अब मैं उस शराह पे इसरार कर रहा हूं, तो ये गैर सेहतमंद इख्तलाफ। सेहतमंद इख्तलाफ इज वेलकम, गैर सेहतमंद इख्तलाफ जो है वो नुकसानदेह होता है, वो नेगेटिविटी फैलाता है।
तो इस बात का ख्याल रखें हमेशा कि हम अपनी राय को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा करें, अपनी स्किल्स में इजाफा करें, अपने तजर्बे में इजाफा करें, हमारा एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए। अब हम सांगढ़ में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, सांगढ़ में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमने बैठ के बात की तो किसी ने कहा जी ये कैसे होगा, कैसे हो सकता है, छोटा शहर है, उनके पास इतनी फैसिलिटी कहाँ होगी। मतलब ये कि नेक नीति से कहा ना उसने ये बात, जिसने अगर किसी ने एक पॉइंट दिया तो ये सांगढ़ की मुखालफत में थोड़ी दिया, नेक नीति से दिया। दूसरे ने कहा नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आप उनको काम दें, उनको काम देंगे तो भी तो उनकी सलाहियतों में इजाफा होगा ना, अगर आप उन्हें काम ही नहीं देंगे तो उनकी सलाहियतें कैसे बढ़ेगी। जहाँ तक सिग्नल वगैरह का मसला है तो ये तो कोई बड़ा मसला है ही नहीं, आजकल छोटे छोटे रिमोट एरिया में सिग्नल मौजूद है, तो सांगढ़ तो मेरे अच्छा बड़ा पसवाया शहर है। मतलब यह है कि एक राय के मत करो ये काम, एक राय के नहीं जरूर करो, दोनों राय नेक नियति पर थी। पॉइंट ये है दोनों राय जो थी उनकी बुनियाद अच्छाई पर थी, तो भाई ये लोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा कह रहा है भाई दो गए तो फिर करेंगे ना, अगर हम यही सोचते रहे कि नहीं कर पाएंगे तो फिर तो आप अपने लोगों को एक्सपीरियंस होने नहीं देंगे। तो दोनों रिजल्ट के लिहाज से सोच रहे थे ना, दोनों राय ठीक थी, लेकिन फिर तय हुआ कि नहीं सागर से ये काम कराना है। तो जो जो कह रहा था कि सागर से नहीं कराना वो भी उतना ही तनदही से इसमें शामिल है जितना कि वो शामिल है जिसने कहा कराओ, ठीक है। ये होता है सेहतमंद इंकलाब। एक होता है कि किसी से किसी की बिला वजह की मुखालफत करना, यह है गैर सेहतमंद इंकलाब। सिलसिले में सेहतमंद इंकलाब वेलकम है, उसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। गैर सेहतमंद इंकलाब जिसकी बुनियाद जाती अना पर हो, जिसकी बुनियाद पर्सनल ईगो पर हो, या जिसकी बुनियाद किसी के साथ बिला वजह की बर्खाश पर हो, भाई बर्खाश नहीं हो सकती क्या? हाँ, क्या रूहानी लोगों में रूहानी लोग सब मन के उजले हो जाते हैं किसी सिलसिले में आने के बाद? सब लोग मन के उजले हो जाते हैं कि हमने सिलसिले का फॉर्म भर दिया, हमारे दिल की सारी स्याही निकल गई? हाँ नहीं। तो अगर मेरे दिल में किसी के लिए कदूरत है और मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूं तो ये कहलाएगा गैर सेहतमंद इंकलाब। इसकी रोकथाम होनी चाहिए। अब इसकी रोकथाम का एक तरीका यह है कि भाई मैं अपने दिल की स्याही को दूर करूं, जो कि बड़ा एक अच्छा काम है लेकिन बहुत मुश्किल काम है। तो अगर मेरे दिल की स्याही दूर नहीं होती तो कम अज कम मैं बिलावले की मुखालफत तो छोड़ दूं ना, ये तो कर सकता हूं, ठीक है या नहीं? तो गैर सेहतमंद इंकलाब नहीं होना चाहिए। गैर सेहतमंद इंकलाब कौमों में, इदारों में, घरों में, दफ्तरों में हमेशा खराबियां लाता है, अच्छाइयां नहीं लाता। सिलसिले में आप सेहतमंद राय दीजिए, चीज को बेहतर बनाने के लिए राय दीजिए, लेकिन किसी इल्मी नुक्ते पे अपनी बात पर इसरार करना या किसी को बिला वजह आगे बढ़ाने के लिए अपनी राय देना या किसी को बिला वजह नीचे रखने के लिए अपनी राय देना, ये सब गैर सेहतमंद इख्तलाफात के जुमले में आती है बातें, इससे गुरेज किया जाए। क्योंकि इससे गुरेज अगर हमने नहीं किया तो सिलसिले को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और हमारी अपनी तस्किया नफ्स की जो कोशिशें अगर हम कर रहे हैं या अपनी बेहतरी के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं तो उन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं, वो बेकार है, ठीक है जी। अगला नुकता है अपने रूहानी उस्ताद शेख की हर बात पर बिला चूरो चरा अमल किया जाए, यानी तामील होनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये क्या बात है कि शेख की हर बात पर अमल करो, ये क्या बात है? तो
आप हर जगह आप अपनी जिंदगी में बेशुमार मकामात पे इस फार्मूले पर अमल कर सकते हैं। उस वक्त आप नहीं कहते कि ये क्या बात है। देखें, आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, आपके आपके ऑफिसर ने आपको कुछ कहा, तो आप उस पर अमल करते हैं कि नहीं करते? हाँ, तो आप बिना शुरू शुरू अमल करते हैं कि नहीं करते? तो आपका एक ग्रेड ऊपर अफसर जो है उसकी हर बात आप मानते हैं, तो शेयर कम से कम उस एक ग्रेड ऊपर अफसर से तो कई गुना ऊपर है ना, ठीक है ना। आप आपका कोई कस्टमर है, चलो ऑफिसर को छोड़ा, आपका कोई कस्टमर वो आपसे कहता है मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मुझे ऐसे इस तरह बना के दो, तो आप बना के देते हो कि नहीं? तो कस्टमर की बात पे बिला चुनो शराबल करते हो नहीं करते? वो कहता है मुझे ये चीज़ इतने परसेंट ये डाल दो, इतने परसेंट ये डाल दो, तो वो आप करते हो नहीं करते? क्यों करते हैं? कस्टमर की बात पे या अपने ऑफिसर की बात पे या अपने इदारे दफ्तर की बात पे क्यों अमल करते हैं? क्यों अमल करते हैं? भाई कस्टमर की बात पे मैं इसलिए अमल करता हूँ, मेरा मफाद वाबस्ता है, मेरा उससे प्रॉफिट है। अपने अफसर की बात पे मैं इसलिए अमल करता हूँ कि मेरा उससे मफाद वाबस्ता है, वो मेरी एसीआर खराब कर देगा, मैं उसके नजरे बुरा बन जाऊंगा कि वो कहते नहीं ये तो ओबीडियंट हमारा स्टाफ मेंबर नहीं है, तो हम ये अपनी एसीआर में लिखना पसंद करेंगे ये बात। मेरा मफाद है ना जी, सर मैं कहता हूँ कि हाँ जी बिल्कुल सर, जी सर, एट योर सर्विस सर, जी सर हुक्म करें सर, होता है कि नहीं होता? जो लोग जॉब करते हैं तो जानते हैं ना बातों को। तो आप बिना चुने चुना अपने दफ्तर की बातों पे अमल करते हैं नहीं करते हैं? दफ्तर का टाइम है फर्ज करो 8 से 4, साहब ने बोला आज आप रुकना है, आपने आज लेट सेटिंग होगी, तो आप ये बोलते हैं नहीं मैं तो 4 बजे का टाइम है तो जा रहा हूँ, या लेट सेटिंग करते हैं उनके साथ, करते हैं ना, उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं क्या? नहीं, तो मानते हैं ना उनकी बात, या वो कहता है नहीं आज रुकना है और आप 4 बजे निकल जाते हैं वहाँ से, हालांकि 4 बजे के बाद उठने का आपको मालिक का तो फायदा नहीं होगा, लेकिन नहीं जाते ना, क्यों नहीं जाते? इसलिए कि हमें अपने बॉस की ऑफिसर की इदारे की बात पे अमल करना है, बिला चुनो चुना करना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है उसको समझ, अल्फाबेट एक ही है, इन्हें हरूफ एक ही है, तरतीब का फर्क है, हरूफ एक ही है, ते एन लाम ये मीम, ते या अरबी क्लास है ता 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 एन लाम ये मीम, तालीम तालीम, और एक है ते ता एन मीम ये लाम, तामील। तालीम और तालीम में हरूफ एक ही हैं, ठीक है ना, सिर्फ तरतीब आगे पीछे होगी। देखिए तालीम के मरहले में आपको पूरा हक है कि आप जो चाहें सवाल करें, ठीक है, आपको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है, आपका पूरा हक है कि आप पूछें कि जनाब इसमें क्या क्या होगा, मुझे क्या क्या करना है, ये हुआ तो मैं क्या करूँ, ये हुआ तो मैं क्या करूँ। आपको असाइनमेंट दिया गया कि आप सांगण में रूहानी क्लास करें, तो आपको आपका जवाब होना चाहिए था, और था यही था यस, खत्म, बस आपको कहा गया कि आपने सांगण में करना है, तो आपके पास तो आप मरकज से फ़ोन आया, तो उसका आपका जवाब यस के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक किया आपने, बिल्कुल सही किया, जो किया आप बिल्कुल सही किया, ये किया, लेकिन आपको पूरा हक है कि आप उसके उसके बारे में 10 सवाल आप कीजिए, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से अरेंजमेंट होगा, मरकज से कैसे कनेक्ट होंगे, अगर हमारे पास कोई इसका काबिल आदमी नहीं है इस चीज़ को करने का, तो हमें बंदा भेजो, ये करो वो करो, मतलब आपको पूरा हक था पूछने का। जब आपको कोई काम दिया जाए, उस काम को बेटर परफॉर्म कैसे करना है, उसके बारे में 100 सवाल आप कीजिए, यह कहलाएगा तालीम का मरहला। लेकिन तामील
के लिए बस तामीर है। और ये कोई ऐसी बात नहीं जो रूहानी सिलसिले में कही जा रही है, दुनिया में भी यही करते हो, अपने अफसर के साथ भी यही करते हो या नहीं करते, ठीक है ना। तो इस बात को समझ लें, जब आपको कुछ सिलसिले की तरफ से कुछ कहा जाएगा कि भाई आपकी ड्यूटी की जा रही है, तो आपने कहना है जी बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। इसलिए एक बात, मरकज किसी को नहीं कहेगा जो ऐसा काम जो उसकी कैपेसिटी में नहीं होगा, ये भी आप समझ लें। आप मुर्शिद कभी किसी को ऐसा काम नहीं कहेंगे जो उसकी कैपेसिटी में नहीं होगा, ये आप समझ लें बात। उनके कहने का मतलब ये है कि वो जानते हैं कि आपके अंदर ये कैपेसिटी है, ये अलग बात है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सतन मेरे अंदर एक कैपेसिटी है लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। किसी काम को करने के लिए 100 सवाल आप करना चाहें 100 सवाल के लिए, बट तामील करनी है, तामील करनी है, ठीक है ना। अगर मैं वही मिसाल दे रहा हूं सांगड़ की, कि हमने सांगड़ को कहा कि मैंने मंसूर से कहा कि यार वो अब्बा से बात हुई है तो सांगड़ की, तो तुम सांगड़ वालों को बता दो। तो मंसूर ने फोन किया, तो मंसूर ने मुझे बताया कि जी मैंने फोन किया और उनको यस, मतलब उन्होंने ऊपर से दूसरा कोई सवाल ही नहीं किया। मैंने कहा यार सिग्नल विग्नल के मसायल पे बात कर रहे ना उनसे, क्योंकि किस जगह करेंगे कहाँ करेंगे सिग्नल का इशू, सबसे बड़ा हमारा सिग्नल की है ना मामला, क्योंकि सारी दुनिया में जा रहा है। सबसे ज्यादा हमें इसकी बात नहीं है कि एक कमरा हो उसमें 4 आदमी बैठे हो या एक कमरा हो उसमें 100 आदमी बैठे हो, ये हमारा इशू नहीं है। मरकज में जिस कमरे से मैं करता हूँ कोई भी नहीं करता, वहाँ तो सिर्फ हमारी टीम के लोग होते हैं, वहाँ ये इस तरह की ऑडियंस थोड़ी होती है, ठीक है ना। सिर्फ हमें देखना था सिग्नल, उसके बावजूद वहाँ सिग्नल बातों पर टूट जाता है, आपने देखा होगा बातों पर गया मर जाता है। तो मैंने कहा यार सिग्नल का देख लेना, तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कहा कि हम सारे काम कर जाएंगे, सब करेंगे आप सिग्नल ना करें, ठीक है ना। तो फिर मैं कल यहाँ आया तो उन्होंने कहा कि सिग्नल का तो हमने वो किया है, हमने तो किसी ना PTCL से लिया है ना हमने किसी सेल्युलर क्या बोलते हैं कंपनी से डिवाइस लिया है, हमने तो ये क्या किया हमने तो वाइबर नेट का लिया है, ऊपर हमने एक सैटेलाइट लगाया बेहतरीन सिग्नल जाएगा कि आप उसको टीवी की नशे लाइन चला दो, ठीक है ना। ये है ना भी बेहतरीन बेहतरीन तामीर है, आपने हमसे पूछा भी नहीं, सवाल भी नहीं किया था, लेकिन आपका हक था कि आप सवाल करते, 100 सवाल करो। काम जब तुम्हें दिया जाए तो आपने बोलना है यस, उस काम को करने के लिए आपके जहन में 10 सवाल आता है 10 सवाल आते हैं, ये है तामीर। अब तामीर दो तरह से होगी, मकसद एक ही है लेकिन उसका अंदाज दो है। यानी हम सिलसिले के लिए काम कर रहे हैं तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, मुर्शिद के लिए। हम मुर्शिद के लिए काम कर रहे हैं तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, मरकज के लिए, सिलसिले के लिए, ठीक है ना। मुर्शिद हेड है, सिलसिला सिलसिला इदारा है, इदारा किससे चलता है, अफराद से, ठीक है ना। अफराद क्या बनाते हैं, अफराद क्या बनाते हैं, इदारा, ठीक है ना भाई। इदारा किससे चलता है, अफराद से, अफराद क्या बनाते हैं, इदारा। हर इदारे का एक सरबरा होता है, ठीक है ना। सिलसिले का सरबरा मुर्शिद, मुर्शिद ने जो हुक्म दिया तो किसने हुक्म दिया, हाँ मुर्शिद ने कोई हुक्म दिया तो किसने हुक्म दिया, सिलसिले जी जा रहा सिग्नल जा रहा। मुर्शिद ने कोई हुक्म दिया तो किसने हुक्म दिया, किसका हुक्म शुमार होगा, सिलसिले का। सिलसिले की तरफ से मरकज की तरफ से वो हुक्म आया तो किसका हुक्म शुमार होगा, मुर्शिद का। गेटिंग पॉइंट या नहीं, ठीक है ना। मुर्शिद और सिलसिला
एक एक ही बात, ठीक है। अब वो कोई इदारा अपने अराकीन को वो काम नहीं देता जिस काम की उसमें कैपेसिटी नहीं हो। ये हर अच्छा इदारा यही करता, वो काम नहीं कहता जिस काम की उसमें कैपेसिटी नहीं होती, या फिर पहले कहता है कि तुम अपनी कैपेसिटी बनाओ, ठीक है। तामील का जज्बा एक मुरीद के अंदर मुर्शिद की और सिलसिले की तामील का जज्बा होना चाहिए। उस तामील को बेहतर तौर पर करने के लिए 10 सवाल आप कर सकते हैं, सवाल करना मना नहीं, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब मैं इस काम को करने की अपने अंदर सकत नहीं पाता, लेकिन जो आपका हुक्म है तो मैं करूंगा। यानी आप ये भी बता सकते हो कि मैं अपने अंदर सकत नहीं पाता, बट मैं हाजिर हूं। अब जाहिर है कि जिसके अंदर सकत नहीं है और उस काम का जिम्मा ले लेगा तो काम कैसा होगा, नाफिस होगा। मुझे मुझे कहा गया दीवार बना दो, चुनाई कर दो, अब चुनाई करना मुझे नहीं आती, ठीक है ना। ईंटें जोड़ना, सीमेंट से बीच में ईंटें जोड़ के खड़ी करना मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे कहा गया कर दो तो मैं कहूंगा जी मैं हाजिर हूं। होगा जैसा हो बस ही होगा, जैसा एक अनाड़ी आदमी करता है, लेकिन मैं इनकार नहीं करूंगा। पॉइंट ये समझ लो, और मैं ये बताऊंगा कि मुझे मुझे ये काम नहीं आता, बट आपका हुक्म है तो मैं करूंगा। नहीं समझ रहे बात, हाँ समझ में आ रही है। अब तामील से पहले उसकी तालीम लेने के लिए आप 10 सवाल कीजिए, पूछिए मेरे से क्या तवक्को है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे करूँ। आपको बिल्कुल पूछिए, आप 100 दफा पूछिए, कोई मना नहीं। हमारे सिलसिले में सवाल करना मना नहीं है, हमारे सिलसिले में सवाल करने को इनकरेज करते हैं। लोग कहते हैं कि सवाल नहीं करो, हम कहते हैं सवाल करो। आप सवाल नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे, आप जानोगे कैसे। तो ये पॉइंट समझ लें कि रूहानी उस्ताद की हर बात पर बिना चुनो चरा अमल करना है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ रूहानी सिलसिले में ही होती हो। अपने दफ्तर में रोज लगते हुए बात नहीं करते तो बता दें, ठीक है ना। कि अगला पॉइंट है, किसी भी सिलसिले के मुकाबले में अपने सिलसिले को बरतर साबित ना करें, इसलिए कि तमाम सिलसिले अल्लाह तक जाते हैं। देखिए हर सिलसिले का एक निसाब है, हर एक का तरीक़ेकार है, हर एक के कुछ असबाक है। हो सकता है एक सिलसिले के असबाक का दूसरे सिलसिले के असबाक से फ़र्क हो सकता है उनके मामूलात में फ़र्क हो, कुछ भी हो। आपने किसी सिलसिले को ये नहीं कहना कि ये सिलसिला तो कम है तो हमारा सिलसिला अच्छा है, बस आपके सिलसिले की अच्छाई ये है कि आपने खुद अल्लाह की बातें सीखने और समझने का कितना ज़ौक और शौक है, आपके अंदर अल्लाह से क़ुर्बत का जज्बा कितना बढ़ा है, कितना इजाफा हुआ है जज्बे, आपके अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम से क़ुर्बत का, नबी करीम अलैहिस्सलाम की नस्बत का शर्फ मिल जाए, ये जज्बा आपके अंदर कितना बढ़ा है। आप तो इस पर हो, इस पर रहो, दूसरे सिलसिले में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कौन से असबाब करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें कैसे होता है, ये हमारा काम है, ये हमारा काम नहीं है। ना उन मबाहिस में पढ़ना हमारा काम है जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। मिसाल के तौर पर वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद हमारा काम नहीं है कि हम कोई स्पेशल स्टडी कर रहा हो, कोई पीएचडी कर रहा हो, कोई सिलसिले में इस हवाले से कोई किताब लिखना चाहे, ही इज़ वेलकम, ही और शी इज़ वेलकम, कर ले। ये हमारा उमूमी टॉपिक नहीं, ये हमारा उमूमी टॉपिक नहीं, ठीक है ना। हमें ना किसी इस तरह की नज़रियाती बहसों में अपनी राय किसी एक तरफ डालनी चाहिए या दूसरी तरफ डालनी चाहिए,
ना हमें इसमें ज्यादा उलझना चाहिए, ना एक सिलसिले के असबाब और उनके तरीक़ेकार का दूसरे सिलसिले से कोई मवाजना करना चाहिए। यह हमारा काम, अगर हम इन कामों में पड़ गए तो हम अपनी जाती तामीर शख्सियत के गोल से हट जाएंगे। हमारा काम है, सबसे पहले मेरा काम है अपनी तामीर शख्सियत, अपनी तरबियत, अपना तस्किया नफ्स। अभी हमने एक तीन नुकाती ये वो देखो वो किया है, तस्किया नफ्स, तहजीब अखलाक और तस्किया कल्ब, ठीक है ना। तो भाई मेरा काम होना चाहिए कि मैं अपने तस्किया नफ्स पे मुतवज्जो रहूं, जो कि कुरान का मेरे से मुतालबा है, और सिलसिले की मदद लूं कि सिलसिले का माहौल, सिलसिले की तालीमात, मुर्शिद की तरफ से मिलने वाली तरबियत मेरे तस्किया नफ्स में मेरी मुआवे बने और मैं दर्जा बदर्जा आगे बढ़ूं। और मुस्लिम से मोमिन बनने का जो सफर है वो मेरा आगे बढ़े, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम से, निस्बत से और सिलसिले के माहौल से और मुर्शिद की तरबियत से मैं नफ्स मुतमईना की तरफ मेरा सफर आएगा। या तो हम नफ्स मुतमईन नजर जी इला रब्बे का रानियम भर दिया, ऐ नफ्स मुतमईना लौट चल अपने रब की तरफ, इस हाल में कि वो तुझसे राजी और तू अल्लाह से राजी, ठीक है ना। यानी अल्लाह आपसे कह रहा है कि भाई चलो तुम अपनी सारी फरमाइशें ख्वाहिशात तवक्कुआत बयान कर दो मेरे लिए, अल्लाह से जो जो चाहते हो बता दो, जो चाहते हो बता दो, ठीक है ना। तो अल्लाह कहेगा तुम्हें बख्शा, ठीक है ना। यानी इंसान आप किसी से काम लेते हो, मजदूर से कारीगर से कंसल्टेंट से एक्सपर्ट से, तो आप उसका मुआवजा देते हो ना, उसको मुआवजा देते हो ना, उसका मुआवजा तैयार कर दिया आपने, कुछ मुआवजा तय कर दिया आपने, उस मुआवजे के ऊपर भी उसे कुछ दे दिया, तो फिर आप उसे क्या कहते हो, राजी हो? हाँ क्या कहते हो, राजी हो? तो क्या कहता है, खुश होता है ना, ठीक है ना। तो भाई हम लोग हमारी क्या औकात किसी को वसाइल देने की या किसी को रिवॉर्ड देने की, हमारी क्या औकात, महदूद औकात है, मामूली सी औकात है। जो कायनात का बादशाह है, मालिक है, खालिक है सारी कायनात का, वो आपसे पूछ रहा है राजी हो, ठीक है ना। तो सोचो क्यों साईं, अल्लाह से पूछेगा राजी हो, ठीक है, तो क्या बात है भाई, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहा है या ये तो हम नसुर मुतमईन तरजी इला रब्बे का रानी नंबर दिया, ऐ नफ्से मुतमईना, यानी हम में से हर शख्स नफ्से मुतमईना का दर्जा पा सकता है। कुरान की आयत से तो ये पता चलता है। तो सिलसिले दीने की तालीमात आपको, हमें सिलसिले दीने की तालीमात को इस तरह लेना है कि हमने तस्किया नफ्स के मामलात में दर्जा बदर्जा आगे बढ़ते हुए अल्लाह की मेहरबानी से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम से, उनकी निस्बत से, यह याद रखना कि अल्लाह को पाना रसूल अल्लाह के बगैर मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए निस्बत मोहम्मदी लाजमी है। ये सब अपने जहन में क्लियर करना कि हमें अल्लाह मिलेगा तो मोहम्मद के जरिए से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो हमारा चैनल बनेगा बवास्ता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तसव्वुफ के सारे रास्ते, तसव्वुफ के सारे रास्ते अल्लाह की तरफ जाते हैं, ठीक है। तसव्वुफ के सारे रास्ते यानी सलासिले तरीकत जो हैं, जितने भी सलासिले तरीकत हैं, उनका मकसद मार्फत इलाही और कुर्ब इलाही है, ठीक है ना। कुर्ब इलाही और मार्फत इलाही, ठीक है, हकीकत तक रसाई है। लेकिन इस हकीकत तक रसाई में नबी करीम अलैहिस्सलाम का वास्ता लाजमी है, ठीक। तो अब जैसे एक किसी ने मुझसे पूछा अपना तारुफ, आपका तारुफ क्या है, तो मैंने पहले भी बात आपको शायद बताई, मैंने कहा जी हमारा तारुफ यह है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हजरत मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और यह अल्लाह की अकीदत मंद है, ये हमारा तारुफ है। और अलिया अल्लाह के जो अकीदत मंद है, ये भी हम मशरूत अकीदत मंद है, अनकंडीशनल है, कंडीशनल है। ये क्या भी क्यों भाई, इसमें क्या कंडीशन है? असल में हम अलिया अल्लाह के अकीदत मंद इसलिए हैं कि उन्होंने हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाया है। अगर कोई वली हमें अपनी तरफ बुलाए तो हमारा सलाम भाई, अगर कोई वली कहता है और अपनी तरफ बुलाता है तो हमारा सलाम भाई नो। हम औलिया अल्लाह के अकीदतमंद इसलिए हैं कि उन्होंने हमें अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाया है, उन्होंने हमें उन रास्तों की निशानदेही की है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ जाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया है, बताया है, समझाया है कि अल्लाह की मर्जी को किस तरह समझना है, अल्लाह की मशीयत को कैसे समझना है। यानी रेफरेंस हर लिहाज से अल्लाह है। वलीउल्लाह ने क्या काम किया कि वलीउल्लाह ने एक बंदे को उसके खालिक से लेना है, अल्लाह से लेना है, ठीक है ना। वलीउल्लाह ने कोई अपनी रात की वो नहीं करवाई, वलीउल्लाह ने अल्लाह से मिलाया, अल्लाह के रसूल से मिलाया, किताबुल्लाह से रहनुमाई लेने का की तरफ तवज्जो दिलाई। तो इसमें ये समझ लें कि हमारा काम जो है वो अपनी जात पे तवज्जो देना है, हमारे सिलसिले के जो असबाब हैं उनमें हमने कंसंट्रेट करना है, हमें इसमें दिलचस्पी नहीं होना चाहिए कि दूसरे सिलसिले वाले क्या सबाव दे रहे हैं, और यार वो तो ये बताते हैं, हम तो ये बताते हैं, हमारे तो बाबा जी ने ये बताया है, लेकिन उनके बाबा जी ने तो वो बताया, लो ये हमारा काम, हमारा काम है आपको आपके सिलसिले ने जो सबक दिए हैं और जो तालीमात दी हैं उन पर आप पूरा उन पर आप दिल और जान से अमल करने की कोशिश करें, अपने सिलसिले को किसी दूसरे सिलसिले के साथ कंपेयर करने की बिल्कुल मश्क फजूल है, इस पर हमें नहीं जाना। अगला पॉइंट है, सिलसिले में जो शख्स गंद फैलाने या मुनाफिकत का सबब बने उसे सिलसिले से खारिज कर देना चाहिए। तो अल्लाह ताला महफूज रखे भाई उस मनफी तरह फिक्र से जो हमारे हमें इतने अजीम मकसद में हमारी ज़ात को ऊपर ला के, भाई गंद फैलाने का मतलब क्या होता है, उसकी प्रसिद्ध उसके अंदरून खाना क्या चीज़ होती है, अपनी अपनी अल्लाह की तस्कीन, अपनी अंदर की नेगेटिविटी, ठीक है ना। यहाँ पे हम आते हैं कि हमारी नेगेटिविटी में कमी आए, ठीक है ना, बजाय नेगेटिविटी में कमी आने के कुछ लोग उस नेगेटिविटी को सिलसिले के माहौल में फैलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो तो ऐसे ही है जैसे कि आप कोई मतलब ये कि बुराई फैल रही, तो अगर कहीं ताफुन होगा तो उस ताफुन को रखना चाहिए या उस ताफुन से बचना चाहिए। तो इसमें हमारे सबके साथ शैतान मौजूद है,
हमें से हर शख्स का शैतान मौजूद है, हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जो शख्स जितना अल्लाह की तरफ आगे बढ़ना चाहेगा, शैतान उसे उतना ज्यादा अपना हदफ बनाएगा। तो उसमें एक हदफ ये भी हो सकता है कि मेरे अंदर से इंतशार वाले जज्बात को बढ़ावा मिले और मैं बोलूं कि ये सही है और ये गलत है। असल में मैं किसी को सही और किसी को गलत नहीं कह रहा, असल में मैं किसी को सही और किसी को गलत कह के दरअसल दो लोगों में इख्तलाफ डालना चाह रहा हूं। अंदर से ये हो रहा है, ठीक है, और उससे मिलेगा क्या? छिया से आपके अपना ग्रुप बना लेंगे, 15-20 आदमी अपना ग्रुप बना लेंगे, और इंसान की फितरत है कि वो उसका गीबत में ज्यादा दिल लगता है, अच्छाई में दिल कम लगता है। तो फिर जाग से लोग बढ़ के 10 हो जाएंगे, 10 बढ़ के 20 हो जाएंगे, 20 बढ़ के 100 हो जाएंगे, और सब बोलेंगे हमें अब्बा जी ने कहा हुआ है कि आप ये काम आप ये बैठ के करें, हमें अब्बा जी ने कहा है, अब्बा जी की इजाजत से कर रहे हैं, सब ये बोलेंगे। और काम ये कर रहे होंगे कि किसी चार लोगों की बुराइयां कर रहा हूँ बैठ, ठीक है ना। जब हम किसी की बुराइयां करते हैं तो हमारे अंदर से एक केमिकल खारिज होता है जो हमें तस्कीन दे रहा होता है। जब हम किसी की अच्छाई करते हैं तो हमें इतनी खुशी नहीं मिल रही होती, जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो हमें तस्कीन मिल रही होती। करके देखो, आप चार लोग बैठ जाए और एक गैर हाजिर शख्स की तारीफें करना शुरू कर दें, चार बंदे बैठ के एक गैर हाजिर शख्स की तारीफें करना शुरू कर दें, किसी अपने रिश्तेदार की, किसी दोस्त की, किसी दफ्तर के कुली की, बहुत अच्छा आदमी है। दूसरा बोलेगा हाँ ठीक है अच्छा है, तीसरे बोलेगा हाँ अच्छा तो बैठा है, चौथा कहेगा चौथे को जी भाई आ जाइए। और आप चार आदमी बैठे हैं और गैर हाजिर शख्स की बुराई शुरू कर रहे हैं, तो बोलेगा हाँ जी उसमें तो ये बुराई है, दूसरा बोलेगा जी जनाब मैं बताता हूँ उसमें क्या बुराई है। गुर्बत में वक्त का पता ही नहीं चलेगा, और लोग बोलेगा जी आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, जो मुझे पता है मैं बताता हूँ। वो दूर दराज से कोड़ियां लाना शुरू कर, ऐसी सी बातें होंगी जो सुस्त होंगी भी नहीं, और सब बढ़ बढ़ के बोल रहे होंगे। दफ्तरों में ज्यादातर बैठकों में क्या हो रहा होता है, अपने ऑफिसर की बुराइयां। दफ्तर में ज्यादातर क्या हो रहा होता है, जो स्टाफ रूम में सारे बैठे होते हैं और किसी की एक की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो वो सब मिलके क्या कर रहे होते हैं, या खानदान की औरतें जमा होती हैं तो देवरानी जेठानी या सास बहू उनके कैसे कैसे कसीदा खानियां हो रही होती हैं, और जितना आप तेजी से वक्त गुजर जाता है घंटों गुजर जाते पता नहीं चलता। तो होता क्या है कि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारा नफ्स जो है ना हमें उभारता है बुराई, हमारा नफ्स तो भागता है यार और बुराई करो और बुराई, क्योंकि नफ्स का तो काम ही नहीं है कि बुराई करो मारे, ठीक है ना। वो बुराई पर उभारता है, जब वो बुराई पर उभारता है तो मेरे अंदर से एक केमिकल खारिज होता है जो मुझे तस्कीन का एहसास देता है, तो उससे मुझे तस्कीन मिल रही होती है उस केमिकल सिक्रीशन की वजह से। जब मैं किसी की अच्छाई बयान कर रहा होता हूँ तो मुझे इतनी खुशी नहीं मिल रही होती, वो केमिकल सो जाता है जाकर, खुशी वाला केमिकल आता ही नहीं है। तो जो सलासिल में जो बज़ाहिर कहते हैं इतने बड़े अच्छे लोग हैं उनमें जो बुराइयां फैलती हैं, वो जो इंतशार फैलता है वो 2-4-5-6 लोगों को टारगेट बनाते हैं, उनके खिलाफ बैठ के बातें करते हैं, उन बातों में मज़ा आना शुरू हो जाता है, उन बातों में मज़ा मिलना शुरू हो जाता है। तो नफ्स और हमें जकड़ता है और जकड़ता है और जकड़ता है और जकड़ता है जकड़ता रहता है, फिर हमें अच्छाई नजर ही नहीं आती, फिर हमें बुराई बुराई की बातों में ज्यादा मजा आता है। तो ये समझ लें कि कभी भी जब भी हम किसी की बुराई करने पर, अच्छा एक होती है बुराई किसी आगही के लिए, ठीक है ना। मिसाल तौर पे किसी शख्स ने, आप बिजनेस करते हैं, किसी शख्स ने आपसे उधार पे काम किया और उसने आपका उधार वापस नहीं किया और लाखों रुपए आपका लेके चला गया,
और फिर वो दूसरी दुकान पे गया उधार सामान खरीद, उस दूसरी दुकान वाले ने आपको फोन किया कि ये आदमी आया है, क्या मैं उसे उधार दे दूं? मार्केट में होता रहता ना, सर जिससे पूछते रहते हैं ना, तो आप अब आप क्या करोगे, आपको क्या करना है? आपने बताना है कि भाई ये तो मेरे पैसे तो सर हो गए हैं, बाकी आप खुद देख लेना, ठीक है ना? तो ये बुराई में नहीं आना, ये चीज बुराई में नहीं आती, ये इसको नहीं कहेंगे कि ये गिबत हो रही है, ये बुराई है। आपके साथ किसी ने कोई तकलीफ की बात की, किसी ने धोखा दिया, किसी ने कुछ किया, उसी आदमी के बारे में आपके पास किसी आपके जानने वाले ने पूछा कि मेरे से कोई डीलिंग करना चाहता है तो आप मुझे बताएं, तो आप बताओ कि मेरा तजर्बा तो ये है इसके साथ, ये चीज़ गीबत में नहीं आती, ये समझ। गीबत होती है ज़्यादातर किसी की बिला वजह की बुराइयाँ करना जिससे मेरे नफ्स को तस्कीन हो रही है, और वो नफ्स की तस्कीन इदारों में इंतशार का, फूट का, तफरके का सबब बनती है। तो हमें अपने सिलसिले में ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, ऐसी चीज़ों से अलर्ट रहना चाहिए, जहाँ कोई ऐसी सूरत हाल नज़र आए, जहाँ कोई इनहराफ किसी का ज़्यादा नज़र आए, तो हमें मरकज़ को बताना चाहिए, यह गीबत में नहीं आता। लेकिन बैठ के अंजुमन गीबत के मैं बैठ के और जना मेरी वक्त गुजार रहे हों, तो ये हमारे अपने अमाल नामे को भी ख़राब करेगा और ये हमारे सिलसिले के माहौल को भी ख़राब करेगा। इससे हमारे बुज़ुर्गों ने, कलंदर बाबा औलिया ने, बाबा जी ने फरमाया कि इस रविश से हमें बचना है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला आगे फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह मजीद कवायद के तौर पर बात करेंगे।